चंदन क्यारी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को चंदन क्यारी प्रखंड मुख्यालय में सिमडेगा के गांव लिंचिंग में मारे गए दलित युवक संजू प्रधान की हत्या की सीबीआई जांच को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता चंदन क्यारी भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा ने किया। मौके पर बोकारो जिले के भाजपा महामंत्री जयदेव राय ने धरने में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दलित युवक संजू प्रधान की निर्मम हत्या पुलिस की उपस्थिति में कर दिया गया। उन्माद भीड़ युवक को पीटती रही, लेकिन वहां उपस्थित पुलिस मूक दर्शक बनकर घटना की वीडियो बनाते रह गए। उन्होंने कहा कि संजू प्रधान के हत्या की अविलंब सीबीआई जांच हो। वहीं विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई ने कहा कि जब से प्रदेश में हेमंत सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में हत्या, हिंसा, लूटपाट एवं महिला पर अत्याचार जैसे अपराध घटनाओं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। केवल अपराधियों अधिकारियों की ट्रांसफर व पोस्टिंग में व्यस्त हैं। संजू प्रधान की हत्या की सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजें, अन्यथा भाजपा सरकार से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इसके पश्चात राज्यपाल महामहिम के नाम से वीडियो को एक ज्ञापन सौंपे। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि निमाई लाल महता, मंडल अध्यक्ष प्रदीप मांझी, पंकज शेखर, कंगेंद्रनाथ महता, पीए दिलीप महतो, शीतल सिंह आदि उपस्थित थे। ये प्रदेश के आदेशानुसार हम लोग पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो संजू प्रधान का हत्या हुआ है, वो हत्या को हम लोग संजू प्रधान के हत्यारों को फांसी देने बोल रहे हैं, और उसके साथ संजू प्रधान के हत्या का सीबीआई जांच हो, यही इसी मांग के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी प्रखंड। इस तरह राज्य सरकार नहीं करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? इसके आगे नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क से सदन तक इसके आगे हम लोग आंदोलन करेंगे।